आज सुबह पक्की सराय में एक देवर ने विधवा भाभी पर गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल रचना को लोगों ने अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही थाना पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इसी दौरान फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर मुआयना करने में जुट गई। थाना पड़ाव पुलिस प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि रचना की शादी गाजियाबाद में हुई थी। 2020 में रचना के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह अंबाला स्थित अपने मायके में आकर बस गई। पुलिस के मुताबिक रचना का देवर संदीप अपनी भाभी पर गलत निगाह रखता था और उससे शादी का दबाव बनाता था। वे कई बार अंबाला स्थित पक्की सराय उसके किराए के मकान में आता जाता था, लेकिन रचना द्वारा उसकी बात नहीं मानने पर वे नाराज था। कल भी वे अंबाला आया और रचना के साथ झगड़ा किया और गुस्से में उसके पेट में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मोहल्लावासी एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर आ गई और घायल रचना को सिविल अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल आरोपी देवर संदीप मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने उसकी तलाश में टीम गठित करके गाजियाबाद सहित अन्य वांछित जगह रवाना कर दी गई है। एसएचओ का कहना है कि जल्द ही आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई, अपने जो पीड़िता है उसके भाई का बयान दिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है, वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं, उम्मीद है हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। खबर नवा रैना के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।